श्री हरि विष्णु नारद को प्रताड़ित करते हुए भगवत भक्ति के मूल मंत्र का परम ज्ञान प्रदान करते हैं। राजगुरु का संदेश पाकर महाराज उत्तानपाद की पत्नी गुप्त रूप से सुरुचि से मिलने का निर्णय करती हैं। सुनीति के पहुंचने से पूर्व ही शनिदेव अपने अनुचर ढैया और साढ़े साथी के साथ सुरुचि को सावधान कर देते हैं। देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद को भविष्य के घटनाक्रमों से सचेत करते हैं। दासी वेश में महारानी सुनीति राजकुमारी सुरुचि के सन्मुख अपने पति उत्तानपाद के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचती है। वेश परिवर्तन कर लेने से आप अपनी सत्यता छुपा नहीं सकती महारानी सुनीति। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप महाराज उत्तानपाद की महारानी हैं और इस समय हमारे समीप हमें अपनी सौत बनने की याचना लेकर आई हैं। राजकुमारी, क्या मेरे आने की पूर्व सूचना आपको मिल गई थी? मेरी पारखी दृष्टि को किसी की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है महारानी। कहीं आपका वत्स देश आने का उद्देश्य यही है ना? ज्ञात कर सकती हूँ कि एक दासी के वेश में होने के पश्चात भी आपने मुझे पहचाना कैसे? महारानी सुनीति, यदि वास्तव में आप दासी होती तो दासता की याचना लेकर हमारे महल की मुख्य दासी के समीप गई होती। इस तरह वेश परिवर्तन करके हमारे कक्ष में चुपके से आकर हमारे चित्र को ना निहार रही होती। राजकुमारी, तुम जैसी योग्य रूपवती स्त्री को अपने स्वामी की होने वाली जीवन संगिनी के रूप में कल्पना कर मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा है। मेरी प्रसन्नता के विषय में क्या निर्णय किया है? मैंने आपके राजगुरु सुबोधन जी से स्पष्ट कहा था, मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें महारानी का पूर्ण सम्मान दिलवाऊंगी। मेरे वचन पर विश्वास करो और कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लो। महारानी सुनीति, राजगुरु सुबोधन से मिलने तक तो मात्र मुझे पटरानी पद की अभिलाषा थी, किंतु अब एक और अभिलाषा है। पटरानी पद से अधिक और क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे स्वामी महाराज उत्तानपाद पर विवाह के पश्चात अपने एकाधिकार के इच्छुक हूँ। तुम्हें अपने समस्त अधिकार मुझे प्रदान करने होंगे। भलीभांति ज्ञात है महारानी सुनीति कि कोई भी नारी अपने पति पर से अपना अधिकार समाप्त होना स्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें। मुझे आपकी याचना स्वीकार नहीं है। मेरी बात सुनो सुरुचि। अपनी बात की स्वीकृति के अतिरिक्त मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरा समय व्यर्थ ना करें। सुरुचि, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। सुनीति अपने स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रजाजनों की कामना की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत है। महारानी सुनीति, आप जो कह रही हैं वो करना कठिन है। आप एक बार अपनी बात पर विचार कर लें। नहीं राजकुमारी, विचार की अब तनिक भी संभावना नहीं। अपने स्वामी और प्रजा की प्रसन्नता के लिए सुनीति क्षण भर में अपना जीवन भी त्याग सकती है। वे प्रसन्न रहें इसलिए वो हर दुख हर पीड़ा को सहर सहन कर लेगी। एक बार पुनः सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के पश्चात मुझे अपनी मांग स्वीकार करने के लिए आपके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। निश्चिंत रहो राजकुमारी, सुनीति ने अपने माता पिता और गुरुजनों से सत्य का पालन और वचन की पूर्णता का पाठ ही सीखा है। सुनीति के प्राण जा सकते हैं किंतु वह सत्यता और वचन के मार्ग पर अड़िग रहेगी।
मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास कैसे कर लूं? विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण इस समय मैं नहीं दे सकती सुरुचि। यदि तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ तो? सुनीति का वचन मिथ्या होने से पूर्व वो अपने प्राण त्याग देगी। अभी तक मेरे सम्मुख विवाह का औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है, आने पर मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगी। मैं इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हारे पास आई थी कि किसी भी मूल्य पर तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त करके ही जाऊंगी। राजकुमारी, एक कृपा और करेंगी आप मुझ पर? कैसी कृपा? क्या आपका ये चित्र मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किस कारण? वत्स देश के किसी भी याचक को निराश न करने की परंपरा है, आप ये चित्र ले जा सकती हैं। और बलिदान की प्रतिमूर्ति सुनीति अपने पति के भविष्य और कंपिला देश के भावी राजकुमार की प्राप्ति के लिए सुरुचि के सन्मुख झुक गई। किंतु उनके इस कार्य ने नारी के आदर्श को गौरवान्वित कर दिया और सुरुचि के चरित्र ने नारी का अहंकारी रूप भी दर्शा दिया। दूसरी ओर अहंकारी शनिदेव अपने स्वभावानुसार अनायास ही अदृश्य हो जाते हैं और उनके सेवक, भैया और साढ़े साथी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित हैं। मित्र साढ़े साथी, क्या तुमने स्वामी शनिदेव को पृथ्वी लोक के हर स्थान पर ढूंढ लिया? मित्र ढैया, मैंने अपनी दृष्टि से पृथ्वी का अब कोई भी कोना शेष नहीं छोड़ा है। मैंने स्वामी को पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आता कि स्वामी हमसे बार बार रुष्ट क्यों हो जाते हैं। कैसा स्वभाव है स्वामी का, वे किसी को क्षमा करते ही नहीं। हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मित्र सारे साथी, हमने ग्रह लोक, नक्षत्र लोक के साथ ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में स्वामी को ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। स्वामी कहाँ हैं आप? हमें दर्शन दें शनिदेव, हमें दर्शन दें। आप कहाँ हैं स्वामी? आप हमारे अपराधों को क्षमा करें स्वामी, और अपने दिव्य दर्शन दें। स्वामी हमें दिव्य दर्शन दें, दिव्य दर्शन दें, दर्शन दें। मित्र साढ़े साथी, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुष्ट देव शत्रु ने हमारे स्वामी शनिदेव का अपहरण कर लिया है। दंडित ना करे शनिदेव, आप हमारे आराध्य हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे देव। हमें क्षमा करे शनिदेव, हमें क्षमा करे। जो व्यक्ति शनिदेव का आदर नहीं करता उसे भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तुम दोनों तो हमारे परम भक्त हो, या तुम हमारी विध्वंसक भयानक और मारक शक्तियों से अपरिचित हो? हम आपकी भयानक, विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से भली भांति परिचित हैं शनिदेव। तो तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ कि हमारा कोई शत्रु हमारा अपहरण कर सकता है, शनिदेव का अपहरण? जब हमारे सेवक ही हमारी शक्ति पर शंका करने लगे तो हमारे शत्रु हमें निर्बल समझेंगे। तुम दोनों का दंडित होना आवश्यक है। शनिदेव, आप हम पर सदैव कृपालु रहे हैं,
हम पर दया कर दें, हमें क्षमा कर दें देव, हमें क्षमा कर दें। मूर्खो, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शनि देव के नीति नियम में दुष्टता और मूर्खता करने वालों के लिए दया, कृपा और क्षमा का कोई स्थान नहीं? अज्ञानता में हमसे भयानक भूल हुई है, हमें क्षमा कर दें देव। आपके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है, हमें क्षमा कर दें शनि देव। दुष्ट, बुद्धिहीन, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम कर्म का प्रतिफल देने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति कर्म विमुख हो जाता है, शनि देव उसे भयानक कष्टों में उलझा देते हैं और उसका जीवन नर्क की यात्रा से भी निकृष्ट बना देते हैं। हम तो कर्म विमुख नहीं हुए देवा। मूढ़, तो शनि देव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। हमने तुम्हें कंपिला देश के राजा उत्तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश कर देने का आदेश दिया था, किंतु तुम दोनों ने हमारे आदेश का पालन ना करते हुए हमें व्यर्थ ढूंढने का प्रयास किया। तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। शनिदेव, आपके इच्छा मात्र से उत्तानपाद अब दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा, इसी कारण हम उसके समीप नहीं गए। संसार के अनेक प्राणी तुम्हारी ही भांति अपने निर्धारित कर्मों से विमुख होकर कल्पना और देव कृपा पर आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम शनि देव कदापि क्षमा नहीं करते। तब वे अपने भाग्य और ग्रह दशा को दोष देते हैं, जिसे मुझ शनि देव के क्रोध को बढ़ाने का पर्याप्त कारण है। शनि देव, हमें एक बार क्षमा कर दें। उस दुष्ट उत्तानपाद को अपनी मारक शक्तियों से इतना अधिक पीड़ित करेंगे कि वह दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा। क्यों सरदाती? हाँ स्वामी, आप एक बार आज्ञा तो दें। हम एक ही आज्ञा को बार बार नहीं देते। तुम दोनों ने भयानक अपराध किया है, मैं तब तक तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा जब तक तुम विष्णु भक्त उत्तानपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश नहीं कर देते। हितधैर्या, मैं उत्तानपाद के जीवन को भयानक कष्टों की भंवर में उलझाने जा रहा हूँ। नहीं सारथाती, नहीं, तुम्हारे दिए कष्टों से तो उस दुष्ट की बुद्धि 7.5 वर्ष के पश्चात जागेगी। मैं उसे 2.5 वर्ष के भीतर ही शनिदेव की इच्छा अनुसार चलने को विवश कर दूंगा। ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। हमें बिना बताए आप कहाँ चली गई थी महारानी? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में हमारी दशा क्या होगी? Thank you.
नाथ, इसे अपने होने वाले युवराज के माता के रूप में स्वीकार कर अपनी इस चरणदासी पर महान कृपा करें। असंभव 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 महारानी असंभव। मुझे इतना अधिक विवश न करें कि मेरे संयम और धैर्य का बांध टूट जाए। आपके रहते मैं दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। महाराज, अपनी इस चरण दासी को इस प्रकार निराश ना करें। वत्स से देश की राजकुमारी सुरुचि को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार करें। महाराज स्वीकार करें। महारानी, आपके सुख के मूल्य पर मैं दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। इस असंभव सी कल्पना को अपने मन से निकाल दे। यदि कंपिला देश को उसका भावी युवराज मिलेगा तो आपकी चरणदासी सुनीति का सुख और अधिक बढ़ जाएगा। आप मेरी चिंता ना करें। आप सुरुचि से विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महारानी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे दूसरे विवाह का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रभाव की चिंता ना करें महाराज, स्वीकृति दें। कैसे दूं महारानी, कैसे स्वीकृति दूं, जबकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात तुम्हारा जीवन उपेक्षा और अपमान के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा महाराज, मुझे आपके प्रेम का आश्रय है और अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त है। आप इस विवाह को स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। नहीं महारानी नहीं, हमें ये क्रूर प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं है। जगत पिता जगदीश्वर, मेरे कुल पर सदा ही आपकी कृपा दृष्टि रही है। आपका यह भक्त भयानक चिंता के चक्रव्यूह में उलझ गया है। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। महाराज उत्तानपाद, आप और आपका परिवार इस समय जिन समस्याओं से घिरा है उससे मैं अपरिचित नहीं हूं। समय आपकी कठोर परीक्षा ले रहा है। इस समय आप धैर्य, संयम और अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु पर अमिट श्रद्धा रखें। यही आपको इन दुष्चक्रों से मुक्त कराएगी। आप धैर्य रखें महाराज। कैसे धैर्य रखूं राजगुरु, कैसे? धैर्य रखने का अर्थ है महारानी सुनीति के क्रूर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। मैं दूसरे विवाह को कदापि स्वीकृति नहीं दे सकता। महाराज, आप महारानी सुनीति के त्याग को तो देखें कि उन्होंने स्वयं आपके लिए दूसरी महारानी का चुनाव किया है। देवी सुनीति के त्याग को देखकर तो अब दूसरे विवाह को स्वीकृति देना और भी अधिक असंभव हो गया है। आज से पहले तक तो मैं मात्र उससे प्रेम करता था, किंतु अब उसकी पूजा करने लगा हूं। आप जिसका आदर करते हैं महाराज, क्या उसकी भावनाओं पर आघात पहुंचाना उचित है? यह आघात नहीं है राजगुरु, अभी तो महारानी सुनीति का सम्मान है। महाराज, आप प्रजा की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। किंतु क्या प्रजा मेरी व्यथा से परिचित है? मैं कंपिला देश का महाराज होने से पहले अपनी प्रिया महारानी सुनीति का पति भी हूं। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी।